जहां सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएजी की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में गड़बड़ी हुई है, और तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि रिपोर्ट पुरानी होगी, उस समय कोरोना काल था। सीएजी की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट आना एक सतत प्रक्रिया है। 2016 से 2022 तक की सीएजी की रिपोर्ट आई है। अगर कांग्रेस नेता कहते हैं कि रिपोर्ट में गड़बड़ी है, तो सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस कार्यकाल की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट आना एक सतत प्रक्रिया है। सभी के समय में सीएजी की रिपोर्ट आती है, और सीएजी की रिपोर्ट को ये 6 महीने की सरकार की नहीं है, ये सन 2022 तक की सीएजी की रिपोर्ट है। और यदि कांग्रेस के नेता अगर कहते हैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिपोर्ट उनके ही कार्यकाल की आई हुई है। देखिए, उस जमाने में हम लोगों को कोरोना काल से गुजरना पड़ा। कोरोना काल से गुजरने के लिए शासन ने कई बार अपने कलेक्टर को, अन्य अधिकारियों को, CMHO को अलग अलग निर्देश दिए थे कि आप तत्काल दवाई खरीदो, तत्काल गैस खरीदो, तत्काल खाट खरीदो। हो सकता है उसमें कुछ अफरा तफरी हो गई होगी, मगर हमारे ज़माने में जो मलेरिया के उन्मूलन के लिए, डायरिया के उन्मूलन के लिए जो काम हुए हैं, वो बहुत बेहतर काम हुए हैं। और जैसा चाहते थे आदरणीय सिंहदेव जी कि उनको फ्री होके जो काम करने दिया जाए, कि वो विदेशों के तर्ज पर यहाँ स्पेशलाइजेशन के कुछ अस्पताल अलग से खोल सकें, वो शायद नहीं खुल पाए। इस कारण हो सकता है केक की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी, मगर काम हमारा अच्छा था, हमारा नाम बदनाम हुआ वो अलग बात है।